हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आपका चैनल आलिया ट्यूब में। और आज मैं ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी नैरेट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द मॉडल मिलेनियर। अब इस स्टोरी में सबसे मेन जो किरदार है वो है यूगी एर्स्काइन। अब ये जो बंदा है ये बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बेस्ट लुकिंग जेंटलमैन ऑफ लंदन था। देखने में बहुत ही खूबसूरत था, हैंडसम था, और इसका कर्ली ब्राउन हेयर था और ग्रे आइज़, और फेस जो था बहुत ही हैंडसम था। इसका बहुत सारा दोस्त भी था, ठीक है, लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद जो सबसे नेगेटिव बात ये थी कि इसके हाथ में पैसा नहीं था। एक्चुअली ही हैड नो मनी। अब जब इसका फादर मर जाते हैं तो उसका जो फादर था वो तो एक ऑफिसर था, और मरने के बाद एर्स्काइन के हाथ में जो रह जाता है पैसा नहीं बल्कि बहुत सारे किताब। बहुत सारे किताब का वो मालिक बन जाता है जो असल में उसका कोई काम का नहीं था। तो अब क्या किया यूगी ने, यहाँ वहाँ बहुत कोशिश किया जॉब के लिए। उसने चने बेचने की कोशिश किया, ड्राई चेरी जो होता है उसको भी बेचने की कोशिश किया, लेकिन उसका तकदीर फूटा हुआ था, नसीब ही ख़राब था, कुछ चीज़ में उसको सक्सेस नहीं मिल रहा था। अब क्या होता है, यूगी जो था वो एक लड़की से मोहब्बत करता था और उस लड़की का नाम था लॉरा मार्टन। अब लॉरा मार्टन जो थी वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। अब ये जो आर्मी ऑफिसर जो थी वो जो था जो आर्मी ऑफिसर था वो इंडिया में पोस्टेड था। जबकि उनको जब पता चला कि उनकी बेटी मार्टिन जो है वो एक लड़के से मोहब्बत करती है और वो लड़का बेकार है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, तो वो पहले ये चीज़ हरगिज़ मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बेटी के साथ उसका शादी हो। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एक ऑफ़र दिया ह्यूगी एर्स्काइन को, एक ऑफ़र दिया उन्होंने कि अगर तुम किसी भी तरह 10,000 पाउंड इकट्ठा कर सकते हो, कमाई करके दिखा सकते हो, तब मैं मेरी बेटी के जो हाथ है मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुन के बेचारा ह्यूगी जो है वो थोड़ा मतलब उसका मन ख़राब हो जाता है और वो सोचता है चलो मैं एक बार कोशिश तो करता हूँ। लेकिन उसके लिए ये पॉसिबल शायद नहीं था, क्योंकि उसकी जो आंटी थी वो हफ्ते में 4-5 पाउंड उसको दिया करता था। तो कोशिश लगातार करने के बावजूद भी योगी जो था वो फेलियर हो जाता है, ठीक है, और वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो 10,000 पाउंड कमा के दिखाए, जो उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। अब उसका और एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था एलन ट्रेवर, जो एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था। वो पिक्चर बनाता था लोगों का एकदम हूबहू कॉपी। उसका जो नाम था बहुत ही फेमस था, और एलन के पास बहुत सारे लोग आते थे पिक्चर खरीदने के लिए, बनाने के लिए भी। और एलन का जो पिक्चर था वो बहुत कॉस्टली था, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, योगी जब उससे मिलने उसके स्टूडियो में जाता है, एलन उसको देखता है, पूछता है क्या बात है भाई। तब एलन एक पिक्चर बना रहा था, एक तस्वीर बना रहा था एक ओल्ड बेगर का, ठीक है। तो वो ओल्ड बेगर वहाँ पर बैठा था, उसको देख के एलन जो है वो पिक्चर बनाता है तस्वीर, और बनाना तब तक वो जब तक पहुँचा था योगी वहाँ पर तब तक वो पिक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो एलन ने उससे पूछा योगी से कि भाई ये पिक्चर कैसा है। तो योगी कहता है यार ये पिक्चर जो है वो उतना तो अच्छा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि एक बेगर बैठा है, उसका जो कपड़ा है वो फटा हुआ है, और तुम इस तरह से इसका तस्वीर बना रहे हो। तो उसने पूछा कि तुम इस बेगर को मतलब कितना पैसा देने वाले हो। तो एलन ने कहा कुछ नहीं, जस्ट 1 शिलिंग। और तुम इस पिक्चर को बेचोगे कितने में। तो एलन कहता है लगभग 2,000 डॉलर पाउंड में। तब उसको ख़राब लगता है यूगी को कि जिस बंदे का पिक्चर बना के वो 2,000 पाउंड कमाने वाला है उसको सिर्फ 1 शिलिंग देने वाला है। तो उसको ख़राब लगता है, उसने क्या किया, अपना जो बचा कुचा पैसा था जितना उसके पास था, यूगी के पास करीब करीब 1 वर्जिन था, तो उसने वो पैसा दे दिया, उस बेगर को दे दिया, और वहाँ से वो चला जाता है। अब क्या होता है, जब उसके साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड थी लॉरा मार्टन जब वो मिलती है, तो ह्यूगी जो है वो पूरा कहानी सुनाता है कि ये बात है, मैं मेरे दोस्त से मिलने गया था, वहाँ पर एक बेगर था, तो मैंने उसे सारा पैसा दे दिया। अब मार्टिन के साथ थोड़ा उसका झगड़ा भी हो जाता है कि तुम क्या किए ये सब, एक तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अब तुम उसे शादी कैसे करोगे, जितना बचा के रखे थे चाहे वो कितना भी पैसा हो लेकिन तुम्हें ये देना नहीं चाहिए था। ह्यूगी का जो
माइंड था, वो सेटअप जो था वो एकदम पूरा बिगड़ गया था। वो क्या करेगा वो सोच नहीं पा रहा था। जो भी हो, उस दिन रात को एलन के साथ उसका दोबारा मुलाकात होता है वो पैलेट क्लब में। ठीक है, अब क्या होता है वहाँ पर, युगी के साथ उस बेगर का भी मुलाकात होता है। और वहाँ जाके युगी को पता चलता है एलन के पास से कि ये जो बेगर है ये बेगर नहीं था, एक्चुअली वो बैरन हॉसबर्ग था। अब ये बैरन हॉसबर्ग जो है वो लंदन का नामी दामी, बहुत ही एक मिलेनियर कह सकते हो, करोड़पति इंसान है, जो चाहे तो पूरा लंदन को खरीद सकता है, इतना अमीर था वो। अब ये सुन के ह्यूगी का मन और ख़राब हो जाता है। वो सोचता है एक अमीर आदमी को, मिलेनियर को मैंने ये पैसा दे दिया। ठीक है, तो वहाँ से वो चला जाता है। दूसरा दिन सुबह क्या होता है, उसके पास एक लेटर आता है ह्यूगी के पास, जो बैरन हॉसबर्ग ने भेजा था। जब वो लेटर खुलता है वो, तो वो देखता है कि उस लेटर के अंदर 10,000 पाउंड का एक चेक भी है, जो बैरन हॉसबर्ग ने उसकी गिफ्ट, मतलब मैरिज गिफ्ट के हिसाब से दिया है। मार्टिन के साथ ह्यूगी का शादी जो होने वाला था, पैसे के लिए हो नहीं रहा था। ये सारी जो कहानी है वो एलन जो है वो सुनाता है बैरन हॉसबर्ग को कि ये बात है, उसने आपको, उसके हाथ में जो बचा कुचा पैसा था वो भी आपको दे दिया। तो बैरन हॉसबर्ग बहुत खुश हो जाते और उसने कहा कि ठीक है, उसे 10,000 पाउंड चाहिए तो मैं उसे गिफ्ट करूँगा। ठीक है, उसका मैरिज गिफ्ट समझ लो। तो हॉसबर्ग उसे वो गिफ्ट देता है और उसमें एक कार्ड भी छपवा के भेजता है जिसमें लिखा था कि मार्टन और युगी का मैरिज सेरेमनी। ठीक है, अब युगी का जो नसीब था वो पूरी तरीके से बदल चुका था, वो बहुत खुश हो जाता है और बैरन हॉसबर्ग का 10,000 पाउंड मिलने के बाद उसका शादी भी हो जाता है इस तरह से। और एलिन जो है, तभी जो ये स्टोरी ख़त्म होता है, तब वो ये कहता है कि एक मिलीनियर मॉडल मिलना बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, लेकिन एक मॉडल मिलेनियर मिलना लगभग नामुमकिन है।